तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ अपनी फेवरेट मिठाई कलाकंद। राखी का त्यौहार भी है और अगर आप लोग चाहें तो इस राखी पर मिठाई आप लोग घर पे भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। तो दोस्तों बात करें इसको बनाने की, देखिए इसको बनाने के लिए गैस के ऊपर घंटों लग जाते हैं, क्योंकि करना क्या होता है, दूध को काफ़ी टाइम तक पकाना पड़ता है जब तक कि वो गाढ़ी फॉर्म में ना आ जाए। फिर उसमें सिट्रिक एसिड या नींबू वो डालकर इसको बनाया जाता है, क्योंकि इसको फाड़ना भी पड़ता है। लेकिन अगर आपको ट्रिक और टाइम ना पता हो तो आप लोगों की सारी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। तो आज हम माइक्रोवेव में इस रेसिपी को बनाएंगे। मैं आप लोगों को इजी इंग्रेडिएंट और शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिसके साथ आप इस रेसिपी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में बना सकते हो, है ना कमाल की बात। तो देर किस बात की है, चलिए आज का रेसिपी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कलाकंद की मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले एक बाउल ले लीजिएगा जिस बाउल में हम लोगों को इस मटेरियल को कुक करना है। तो बात करते हैं कलाकंद के बेस की। तो कलाकंद का जो बेस है वो है पनीर, क्योंकि दूध को काफ़ी घंटों तक बॉयल करने के बाद उसको फाड़ा जाता है, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है। सो यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो ये है कि हम लोगों को सबसे पहले पनीर का यूज़ लेना है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है और उसको बारीक ग्रेटर से आप लोगों ने ग्रेट कर लेना है, और उसमें लगभग एक कप जो दूध है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। अब दूध इसलिए ऐड करना है, इसको हमने दूध के साथ पकाना है, क्योंकि दूध एक तरह का पनीर के अंदर सॉफ्टनेस क्रिएट करेगा। अगर पनीर पहले से ही ड्राई है तो अगर आप उसको कुक करेंगे तो उसमें एक तरह का सॉफ्टनेस क्रिएट हो जाएगी और दूध एक रिचनेस इसमें क्रिएट करके रखेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर इस मटेरियल को हम लोगों को गैस पर गर्म करना हो तो इसको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो इसके साथ एक और ट्रिक है, आप लोगों ने 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लेना है। मिल्क पाउडर रेसिपी में तो टेस्ट तो देगा ही और साथ में इस मटेरियल को ये बाइंडिंग करके रखेगा, और सिर्फ हमें माइक्रोवेव में 3 मिनट लगेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे मटेरियल को हम लोग कुक कर लेते हैं। यहाँ पे डोर को मैंने ओपन किया और बॉल को प्लेस किया, और सिंपल वाला मोड जिस मोड पर आप लोग खाना गर्म करते हैं, माइक्रो मोड पे हम लोगों ने 3 मिनट का टाइम सेट करना है। और इस 3 मिनट में हमने बीच में एक बार इसको अच्छे से स्टर करना है, यानी कि अच्छे से हिला देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट यहाँ पे सेट किए, और सेट करने के बाद स्टार्ट का बटन दबा देंगे और हाफ टाइम बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट बाद ये जो बॉल है वो मैंने बाहर निकाल लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बस बीच में एक बार इसको अच्छे से स्टर किया मैंने, और जिसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बाइंडिंग है। ये सारा का सारा जो कमाल है वो मिल्क पाउडर का है, नहीं तो गैस पे इस मटेरियल को बाइंड करने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाते। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पे हम लोग कंडेंस मिल्क डालेंगे। बेसिकली आप अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो यहाँ पे आप लोग 150 से 200 ग्राम आप चीनी डालकर भी इसको पका सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क के साथ थोड़ा टेस्ट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा आता है। तो सो यहाँ पे मैं मिल्क मेड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। आप चाहे तो 150 से 200 ग्राम चीनी डाल के भी काम चल जाएगा, लेकिन कंडेंस मिल्क से थोड़ा सा टेस्ट और बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क मैंने ऐड किया है 250 ml, क्योंकि 500 ग्राम हमने यहाँ पे पनीर ऐड किया था, तो 250 ml यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर लिया। और फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए यहाँ पे मैं 2 चुटकी इलायची पाउडर का इस्तेमाल करूँगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी 2 से 3 चम्मच हमने ऐड करने हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे तो जो घी है इसको बाइंड करने में, सेट होने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने घी को ऐड कर लिया और इस मटेरियल को अच्छे से मिक्स किया। 3 मिनट हमने पहले लगाए थे, मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम हम इसको और लगाएंगे, और बीच में 1 से 2 बार स्टर करना बहुत ज़रूरी है। और मटेरियल पक जाने का कैसे पता लगेगा, जब ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा, बोल्स की साइड को छोड़ देगा। तो चलिए हम इसको अब कुक कर लेते हैं।
10 मिनट मैंने सेट किए थे, 9 मिनट में ये जो बैटर है रेडी हो गया। आप देख रहे हैं कि जो ऑयल है वो भी इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, और जब इसमें हम स्पून चलाएंगे तो जो इसके बोल्स की जो साइड है ये मटेरियल छोड़ता जा रहा है। तो बस इस कंसिस्टेंसी पे आप लोगों ने इसको माइक्रोवेव से बाहर निकाल लेना है। अब इसको हम प्लेट में सेट करेंगे। तो कलाकंद को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं थाली का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इसकी नीचे से फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो जल्दी से जो पीसेस है वो बाहर निकल आएंगे। आपके घर पर जो यूटेंसिल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसको सेट करने के लिए। तो इसके अंदर हमने देसी घी ही डालना है ग्रीसिंग करने के लिए भी। रिफाइंड ऑयल लगाएंगे तो वो जल्दी से सेट नहीं होगा, क्योंकि वो जमेगा नहीं। देसी घी मिठाई को सेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इससे हमने इसको ग्रीस कर लिया। उसके बाद जो मिठाई का मटेरियल है वो आपने इसमें ट्रांसफ़र करना है, और इसको आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो ये सारा का सारा मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, सेट कर लिया जी बिल्कुल। उसके बाद बस इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेशन करेंगे। ड्राई फ्रूट जो भी आपके घर पर अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो अब हम ड्राई फ्रूट को चॉप कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट को चॉपिंग करने में नाइफ़ के साथ काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्या है कि ये प्रोडक्ट बड़ा कमाल का है, काफ़ी टाइम से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसे बड़ी आसानी से चॉप कर सकते हो। बस इसमें डालना होता है, 2 से 3 बार स्लाइड करेंगे तो हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो बहुत अच्छी तरह से चॉप्ड हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है। अच्छा लगा हो तो इसको आप बाय कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर देखिए जो पिस्ता है वो बहुत अच्छा चॉप होगा, इसी तरह से हम बादाम को भी कर लेंगे। मिठाई को गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके ऊपर 2 चुटकी इलायची पाउडर स्प्रिंकल किया है। यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल भी किया जाता है, अगर आप चाहें तो 1 चुटकी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी काफ़ी कमाल का आता है। उसके बाद ड्राई फ्रूट के साथ हमने इसके ऊपर डेकोरेशन करनी है। बादाम और पिस्ता मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। गार्निशिंग के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है, कम से कम 2 घंटे। जब ये सेट हो जाएगा तो इसको काट कर हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 घंटे बाद बाहर निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम थी। ये जो वीडियो है काफ़ी लेट नाइट शूट हुआ है, आप लोगों ने इसको प्रॉपर 2 घंटे देने हैं। यहाँ पे मैंने एक पीस उठाया आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है प्रॉपर मार्केट जैसा सॉफ्ट और दानेदार है, तो काफ़ी कमाल की बनी है। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कलाकंद मिठाई मार्केट जैसी बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी जल्दी से इसको अपने घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि ये कैसी बनी। आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त, धन्यवाद।